फ्लेवर फैक्ट्री। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में हेज़लनट कुल्फी, जो बच्चों की बहुत फेवरेट है। तो चलो सीखते हैं हेज़लनट कुल्फी। हेज़लनट आइसक्रीम कैंडी के लिए हमें चाहिए 200 ml व्हिप्ड क्रीम, 150 ml चिल्ड मिल्क, 50 ml कंडेंस मिल्क, 50 ml मिल्क पाउडर, 2 to 3 tablespoon नटेला एंड रोस्टेड नटेला क्रश। सबसे पहले हम मिक्सिंग बॉल में 200 ml व्हिप्ड क्रीम ले रहे हैं और इसको हम बीट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से। हमें इसको हल्के हल्के ट्रेसेस आने तक बीट करना है। आप देख सकते हो कि इसमें हल्के हल्के ट्रेसेस आ रहा है। तो ये रेडी है। अब हम अपना अगला इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ml कंडेंस मिल्क, 50 ml अब हम इसमें चिल्ड मिल्क ऐड करते हैं। हम इसमें अब नटेला ऐड कर देते हैं और फिर हल्के हाथ से बीट कर लेंगे, उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हम अपने सिलिकॉन मोल्ड में आइसक्रीम स्टिक लगा देते हैं। अब हम प्रिपेयर मिक्सचर ये कैंडी मोल्ड में भर लेते हैं। इसको अच्छे से लेवल कर लेंगे और फ्रीज में मिनिमम 5 to 7 hours हम उसको फ्रोजन करेंगे। अपनी हेज़लनट कैंडी रेडी है। अब हम उसको थोड़ा सा रिलीज करके अनमोल्ड करेंगे। हम इसको चॉकलेट सॉस से डेकोरेट करते हैं। हम इसको रोस्टेड हेज़लनट क्रस्ट से डेकोरेट करते हैं। हम सेम मिक्सचर को एज ए आइसक्रीम फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं, जो हमने कैंडी फॉर्म में किया।